कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के ऊपर ऐलान कर दिया है कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लखनऊ पहुंचे हैं लगभग 12 बजे और 12 बजे वो अमौसी एयरपोर्ट से जो पार्टी का दफ्तर है नेहरू भवन में वहां पर तक पहुंचेंगे एक रोड शो के जरिए। और जिस सवारी में जाएंगे वो ये है, इस ट्रक में आप देखिए कि कांग्रेस का हाथ का निशान है, तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनकी तस्वीरें सामने लगाई गई हैं। और सबसे हाई पॉइंट जो है वो है कि क्या स्लोगन पार्टी देती है, तो ये है स्लोगन, बदलाव की आंधी राहुल संग प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर लगाई गई है, पीछे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका कहना है कि इंदिरा में प्रियंका में इंदिरा की छवि दिखती है। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बदलाव की अब जो आंधी आएगी वो राहुल गांधी और के संग जब प्रियंका गांधी अब आ गई हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में आपको एक अनोखे रूप में कांग्रेस पार्टी नजर आएगी, फ्रंट फुट पर बैटिंग करती है। इस तरह का अंदर का जो सीन है वो बनाया गया है, यहाँ से पौड़ियों पर चढ़ के जाएंगे, एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ प्रियंका गांधी है और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इस ट्रक को जो है तैयार करा है कांग्रेस पार्टी ने और हम आपको जरा एक बार अंदर का नजारा दिखा देते हैं। यहाँ पर सब तमाम कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं वो लोग खड़े होंगे, यहीं से जनता का जो है अभिनंदन किया जाएगा और यहीं से जो है वो लोग आगे पूरा का पूरा जो रोड शो है अमौसी एयरपोर्ट से कांग्रेस का जो दफ्तर है नेहरू भवन लखनऊ में वहां तक होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं।